बम भोले बोलो बम 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 भोले बम भोले बोलो बम 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 भोले बम भोले बोलो बम 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 भोले बम भोले बोलो बम बम यही वो तंत्र है यही वो मंत्र है यही वो तंत्र है यही वो मंत्र है प्रेम से पुकारो स्टील सिटी के तमाम दर्शकों को हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमारे लगातार टीवी चैनल पर जो प्रोग्राम आ रहा है उसे जो समर्थन दिया है प्यार दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि बोकारो स्टील सिटी में जो लोग इस समय इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तमाम लोगों को पहले सावन के पहले सोमारी की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि भगवान शिव आपकी तमाम मनोकामना पूरी करे। आज सावन के प्रथम सोमारी है और प्रथम सोमारी पर हम लोगों ने आपको पहले ही कहा था, इसके पहले जब सोमारी जब बंगला पत्रा का पहला सोमारी चल रहा था तब हम लोगों ने चिरका धाम आपको दिखाया था और हम लोगों ने कहा था कि हर एक सोमारी के दिन हम लोग बोकारो स्टील सिटी के एक शिव मंदिर में चलेंगे और आपको दर्शन कराएंगे। आज सावन का प्रथम सोमारी है और मैं इस समय शहीद कर्मा रजवार शहीद केशव गोप के प्रतिमा के ठीक सामने खड़ा हूं। जो दर्शक इस तस्वीर को देखकर अगर आपको याद आ रहा होगा तो मैं करीबन आज से 9 साल पहले इस जगह पर आया था और यहाँ से ठीक करीबन 4 से 5 किलोमीटर की जब दूरी लोग तय करते हैं तो पहुंचते हैं चेचका धाम। चेचका धाम एक ऐसा मंदिर है जिसकी तस्वीर हमने 8 साल पहले दिखाया था अपने टीवी चैनल के माध्यम से और इस प्रोग्राम को दिखाने के बाद हिमांशु को एक नाम पहचान और मुकाम भी मिला था। उसी वरदानी मंदिर को दिखाने के लिए आपको प्रथम सुमारी के दिन मैं लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे ग्रामीण हैं जिनसे थोड़ी बात भी करते हैं। चेचका धाम प्रसिद्ध है यहाँ पर जी? चेचका क्यों प्रसिद्ध? वो बहुत पुराने प्राचीन काल के मंदिर हैं इसीलिए प्रसिद्ध हैं। वहाँ बहुत मंदिर करीब 12-13 मंदिर हैं वहाँ पर अभी और प्राचीन काल से वो प्रसिद्ध चला ही आ रहा है इसीलिए वो प्रसिद्ध हम लोग जानते हैं कि बहुत दिनों से प्रसिद्ध है चेचका धाम। अच्छा, चेचका धाम कब से आप देख रहे हैं? हम तो अपना जन्म उम्र से देख रहे हैं सर, आज 48 साल कम से कम हम उम्र में देख रहे हैं। क्या बदलाव आया है? बदलाव अभी तो मंदिर 2-4 गो और बढ़ गया है आदमी, अभी भीड़ अभी भी कम से कम तो 3,000 से ऊपर आदमी जुटा होगा वहाँ पर अभी। तो सुना आपने करीबन 3,000 लोग इसी रास्ते से चेचका धाम आज जाएंगे क्योंकि आज प्रथम सोमारी है। लोगों के दिलों में एक आस्था होती है भगवान शिव के प्रति, आस्था है, लोग भगवान शिव से अपनी मन्नत मांगने के लिए उस जगह पर जाएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल सिंह भी हैं। इस बार चेचका धाम चल रहे हैं, कितनी उत्सुकता है? बहुत ज़्यादा उत्सुकता है। जैसा कि ग्रामीणों ने कहा कि बहुत प्राचीन मंदिर है तो सावन का महीना बाबा भोलेनाथ का प्रसिद्ध महीना है इसलिए एक बार चलते हैं चेचका धाम बाबा का दर्शन करने। तो एक बार चलते हैं बाबा का दर्शन करने के लिए और हम भी आपको लेके चलेंगे, लेकिन मैं आपको दूसरी और तस्वीर दिखा देना चाहता हूँ। इसी ये जो मार्ग है इसी से करीबन 4 किलोमीटर की दूरी अगर तय कर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो पहुँचेंगे चेचका धाम। जैसा ग्रामीण यहाँ पे बता रहे हैं कि करीबन 3 से 4 हज़ार लोगों का भीड़ उस मंदिर में होगा जिसकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। मैंने आपको पहले ही कहा था करीबन 8 साल पहले हम लोगों ने चेचका धाम का दर्शन कराया था और इस मंदिर की तस्वीर जब डीप फोकस में आई थी तो हिमांशु को मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी मिला था। उसी वरदानी मंदिर को दिखाने के लिए हम आज आपको चल रहे हैं जिस मंदिर की तस्वीर दिखाने के बाद हिमांशु को नाम और पहचान मिली थी। भोला भंडारी बाबा भोला।
हम आपको बताते हुए चल रहे हैं कि इस सोमवारी को आपको एक ऐसे मंदिर में लेकर चलेंगे जहां हम लोगों ने 8 साल पहले विजिट किया था। हम आपको बताएं कि आज प्रथम सोमवारी है और प्रथम सोमवारी का दृश्य दिखाने के लिए हम लोग बोकारो ही विधानसभा के चेचका धाम बाबा मंदिर में आए हैं जो कुम्भरी पंचायत में पड़ता है। हम आपको बता रहे हैं कि कई साल पहले जब हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ की एक अलग ही मान्यता थी। यहाँ पर सैकड़ों लोग सोमवारी के दिन जल चढ़ाने के लिए आते हैं, जैसा कि ग्रामीण ने बताया। आप तस्वीरें देख रहे होंगे, पूरे मंदिर परिसर में लोग खचाखच भरे हुए हैं, महिलाएँ बच्चे लोग अपनी मन्नताओं को मांगने के लिए इस जगह पर आए हुए हैं। आप देख ले, चेचका धाम मंदिर परिसर में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिर ठीक दूर में जो तस्वीर आप देख रहे हैं, एक छोटा सा मंदिर, वही चेचका धाम का प्रमुख मंदिर है, जहां पर लोग लाइन लगाए हुए हैं, घंटों से खड़े हैं, बाबा का दर्शन करने के लिए आए हैं। और दूर दूर से यहां पर लोग भी आया करते हैं जिनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, वो फिर से आए हैं कि प्रथम सोमवारी में किस तरह महिलाएँ बच्चे बुजुर्ग और तमाम तरह के लोग इस जगह पर आए हुए हैं। इस मंदिर के बारे में बहुत जानकारियाँ लोगों के पास है, हमारे पास भी है, क्योंकि हम लोगों ने 8 साल पहले जब इस मंदिर का विजिट किया था तो लोगों के मनों में जो आस्था थी उसे देखा था। हम लोगों के साथ सपन दत्ता भी हैं जो यहाँ पर रहा करते हैं। कब से देख रहे हैं मंदिर को? मंदिर बहुत पुराना है, बहुत पुराना, बहुत दिन से हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। बहुत दूर दूर से आदमी आता है, सबका मनोकामना पूर्ण होता है। ये भी और तो सब मंदिर में कम से 4,000-5,000 आदमी का भीड़ होता है। धीरे धीरे मंदिर जागरूक तो हो रहा है। शिव मंदिरों से इस शिव मंदिर में अलग क्या है? अलग है यहाँ पर आपका विष्णु पाप यह है, उसको चरण पादों का उसमें पढ़ने के लिए बहुत दूर दूर से आदि माँ आया था पढ़ने के लिए, पढ़ नहीं पाया। कब से आते हैं? हम तो यहाँ करीब 10 वर्ष से आ रहे हैं, हम बगले में रहते हैं, लेकिन यहाँ 100 साल से इनका मान्यता है। यहाँ पदचिन्ह है, भगवान का पदचिन्ह है। पदचिन्ह की क्या खासियत है? ये पदचिन्ह जो भगवान विष्णु का है, लेकिन कब से ये हम लोग नहीं जानते, हमारे पिताजी उसके पिताजी सब कहते आ रहे हैं कि नहीं यहाँ पर पदचिन्ह है और इसको हमारे चेचका धाम शिव मंदिर में जो भी आकर अपना मनोकामना मांगते हैं उसका मनोकामना पूर्ण होती है। ये शिव मंदिर अंदर से निकला हुआ है, जो किसी प्रकार के यहाँ लग बैठाया हुआ नहीं है। तो भगवान शिव के साथ विष्णु भगवान के पैरों की भी निशानियाँ यहाँ पे है, जिसकी तस्वीर हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। जो लोग यहाँ आया करते हैं भगवान शिव के साथ विष्णु के भी पदचिन्हों का आनंद उठाया करते हैं।